हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चीक सेल का स्टेन्ड टेम्पररी माउंट कैसे बनाया जाता है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। सबसे पहले हमको टूथपिक से चीक के इनर साइड मीन्स माउथ के इनर लाइनिंग को हल्का सा स्क्रैप करना होता है ताकि हम चीक सेल के सैंपल को कलेक्ट कर सकें। ये जो माउथ का इनर लाइनिंग होता है ये स्क्वेमस एपिथीलियल सेल का बना हुआ होता है जिसको हम चीक सेल भी बोलते हैं। टूथपिक में चिक सेल के सैंपल को कलेक्ट करने के बाद सैंपल को स्प्रेड करते हैं क्लीन स्लाइड के ऊपर। टूथपिक के टिप को इस तरीके से स्प्रेड करने से चिक सेल का सैंपल स्लाइड के ऊपर आ जाता है और इसके बाद सेल को स्टेन करने के लिए हम मिथिलीन ब्लू के सॉल्यूशन के एक ड्रॉप को ट्रांसफर करते हैं स्प्रेडिंग के ऊपर और 2 मिनट के लिए स्टेनिंग होने के लिए छोड़ देते हैं और इसके बाद कवर स्लिप से कवर करते हैं नीडल की मदद से ताकि कोई एयर बबल ना आए। इसके बाद हमको एक्सेस लिक्विड मीन्स एक्सेस स्टेन को बाहर निकालना होता है, तो इसके लिए हम कवर स्लिप को जेंटली प्रेस करते हैं और जो लिक्विड जो कवर स्लिप के बाहर निकलता है उसको टिश्यू पेपर की मदद से उसको रिमूव करते हैं। हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो अंदर में एक्सेस लिक्विड है हमको इसको रिमूव करना है ताकि हमको जो सेल है वो क्लियरली विजिबल हो सके। तो इसके लिए हम कवर स्लिप को जेंटली प्रेस करेंगे और जो लिक्विड जो कवर स्लिप के बाहर निकलता है उसको टिश्यू पेपर से हम पोंछ देते हैं। इसके बाद इस लाइट को हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं। ये जो आप पॉलीगोनल शेप का जो सेल दिख रहे हैं वही चिक सेल है और ये सेल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल होता है जो माउथ के इनर लाइनिंग से इजिली रिमूव हो जाता है। ये जो सेल की आउटर लाइनिंग देख रहे हैं वो चिक सेल का मेम्ब्रेन है और हर एक सेल के सेंटर में एक डार्क स्पॉट है, वो सेल का न्यूक्लियस कहलाता है और हम यहाँ पे चिक सेल को 10x आईपीस और 20x ऑब्जेक्टिव लेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं। Thank you for watching this video. If you like this video, then please subscribe our channel Solution. Thank you.